अरे भैया भीड़ लग गई फोटो खिंचवाने की। हाँ देखो मतलब सब लोग कार ही देख रहे हैं एंड अभी मैं कार में करवा रहा हूँ। वेल सो वेलकम गाइस, अभी हम व्लॉग्स बैक हियर। तो अभी कर दिया मैंने कार कोल्ड स्टार्ट एंड आई वॉज थिंकिंग इसमें करवाऊंगा पूरे स्पीकर्स अपग्रेड, ये वाली भी एंड ये वाली भी, बट जो कार की वायरिंग है वो है बहुत ज़्यादा डेलिकेट, तो उस वजह से भी सोच रहा हूँ कि ये सब कुछ ना करवाऊँ। जाके देखता हूँ कि क्या क्या उसमें हो सकती है कार के अंदर मॉडिफिकेशन। तो पहले तो मैं पीऊँगा कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी के मेरे को है बहुत ज़्यादा अभी नीड एंड साथ में ना इस वाले कार की जो हाइट है वो इतनी नीचे है कि जो मेरा सर है देखो ऊपर लग जाता है देखो, क्योंकि आई एम 6 feet एंड अगर मैं पहनता हूँ ना कैप तो फिर तो मतलब गाड़ी में चला ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो अभी थोड़ी गाड़ी होने देता हूँ कोल्ड स्टार्ट लगभग 2-3 मिनट, उसके बाद निकालता हूँ गाड़ी एंड चलते हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। जो ये वाला व्लॉग है ये है डीसी अवंती के ऊपर एंड मैं अभी हूँ कार के अंदर ही, कार है अभी कोल्ड स्टार्ट पे एंड जो ये वाली वीडियो है ये होने वाली है डीसी अवंती की मॉडिफिकेशन के ऊपर, क्योंकि मेरे को बहुत लोग बोल रहे थे कि अवंती को अपने व्लॉग्स के अंदर उस पर करवाओ कुछ मॉडिफिकेशन। तो चलो चलते हैं एंड करवाते हैं कुछ मॉडिफिकेशन कार के अंदर। A few moments later. तो आ गई है मेरी कॉफ़ी, मैंने इस बार लिया है हॉट कॉफ़ी फ्लैट वाइट। तो अब चलते हैं करोल बाग। अभी आ चुका हूँ मैं करोल बाग कार मार्केट के अंदर, यहाँ पे है साथ में अभी अंकल, तो जो अंकल है वो आए हैं इको स्पोर्ट पे एंड यहाँ खड़ी कर दी मैंने लाके अवंती एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे कार खड़ी करी सब लोग आए सिर्फ फोटो खिंचवा रहे हैं, है ना अंकल? अरे भैया भीड़ लग गई फोटो खिंचवाने की। हाँ देखो मतलब सब लोग कार ही देख रहे हैं एंड अभी मैं कार में करवा रहा हूँ एम्बिएंट लाइटिंग इंस्टॉल, जिसमें बिल्कुल वायर नहीं कटेगी एंड जिसमें लगा हुआ म्यूजिक सिस्टम उसको मैं नहीं कुछ करवा रहा अपग्रेड, क्योंकि जो पूरी कार की पार्ट्स हैं सारे फाइबर के हैं उसको मैं नहीं छिड़वा रहा एंड ये अभी करेंगे इंस्टॉल एम्बिएंट लाइटिंग एंड जो हॉर्न है उसके लिए खुलेगा बम्पर भी, तो हॉर्न भी मैं नहीं करवा रहा क्योंकि अंकल पापा ने मना कर कि वायर कुछ नहीं कटनी चाहिए गाड़ी की, पापा ने बोला है कार बिल्कुल नहीं कटेगी, है ना? तो भैया इसमें क्या लगाओगे, एम्बिएंट लाइटिंग या एटमॉस्फेयर लाइटिंग? देख रहे हैं एम्बिएंट लाइट ही देख रहे हैं। एम्बिएंट लाइट लग जाए तो बढ़िया हो जाएगा भैया, ये देखो। एंड इसका जो स्पीकर अभी आउटपुट है वो आ रहा है बहुत ज़्यादा सही, क्योंकि जो स्टॉक ये वाले नहीं है, वाले किसी ने पहले करवा रखे अपग्रेड, तो ये वाले स्पीकर हैं ये बहुत ज़्यादा सही है ना भैया? इनका आउटपुट बढ़िया है ना स्पीकर्स का, बिल्कुल इनका बेस भी बढ़िया आ रहा है। तो अभी देख रहे हैं कि इसकी एम लाइटिंग की वायर कहाँ से देंगे एंड जस्ट लुक एट दिस रिएक्शन, मतलब सब लोग देख रहे हैं रिएक्शंस, सब लोग गाड़ी देख रहे हैं अंकल। अंकल वन मोर थिंक, अगर मैं कौन सारी वीडियो मिलते हैं 2000 कमेंट तो इसकी बनाऊंगा मैं एक प्रॉपर पब्लिक रिएक्शन वीडियो, तो उसका वेट करना, अगर मैं कौन सारी वीडियो मिलते हैं 2000 कमेंट्स। तो इसमें हो रही इंस्टॉल ये वाली एम्बिएंट लाइट एंड कुछ ऐसी हो जाएगी, एनी कंट्रोल होगी एप्लीकेशन से एंड कुछ ऐसे भी लगा रहे हैं इसको पूरा। अंकल बढ़िया हो जाएगी, रात में बढ़िया लगेगी गाड़ी, बहुत मज़ा आएगा देखने में, बहुत ही मज़ा आएगा। तो गाइज ये है आउटडोर लाइटिंग जो कि हो जाएगी मेरे कार के रनिंग बोर्ड पे इंस्टॉल एंड ये पूरी है ऐप कंट्रोल्ड। तो ये देखो उस पर अगर मैं करता हूँ रेड पे तो ये होगी रेड एंड ये हो जाती है टर्न ऑफ भी, तो ये देखो ये बंद हो गई, ये ऑन हो गई। तो अभी मैं ये भी करवा रहा हूँ कार के अंदर इंस्टॉल, तो ये भी बढ़िया चीज़ है। तो गाइज अभी यहाँ पर लग रही है फोटोक्रोमेटिक फिल्म जो कि है गोल्डन कलर की, तो लग रही है दोनों शीशों पर एंड लग रही है बीच वाले मिरर पर। तो भाई अभी हो चुका है टाइम 5:41 एंड लगभग मैं आया था शॉप पे 12:30-1 बजे के अराउंड है, जो काम है हरा वो हो रहा है बहुत ज़्यादा बढ़िया। अभी तक गाड़ी में हो चुकी है इंस्टॉल एम्बिएंट लाइट जो कि होगी मेरे फोन से कंट्रोल एंड साथ में हो चुकी है इंस्टॉल अंडर बॉडी लाइट भी, जिससे जो लुक्स हैं कार की वो होगी बहुत ज़्यादा एनहांस एंड अभी जो हॉर्न है वो भी होगा गाड़ी में इंस्टॉल एंड जो फिल्म है वो लगी है, जो आईडी वाली नंबर प्लेट है वो भी ये लग चुकी है। तो सारे हो चुके हैं काम छोटे मोटे डन एंड जो स्पीकर सिस्टम है वो मैंने अभी नहीं करवाया है क्योंकि जो उसमें गाड़ी में ऑलरेडी लगा हुआ है वो है बहुत ज़्यादा बढ़िया। तो अभी तो यार ब्रेकफास्ट ही करा हुआ है क्योंकि अभी तक मैं दोबारा से करती चैलेंज अपना स्टार्ट जिम का। तो अभी अंकल बताओ क्या करना है? भाई चलते हैं, तो भूख लगी है कुछ खाया जाए। चलो देखते हैं कि क्या खाते हैं। एंड गाइस वन मोर थिंग, जैसे आती है ना लाइट रोल्स रॉयस के अंदर जो होती है पूरी स्टार लाइट, वैसी कुछ मैं सोच रहा हूँ कि करवाऊँ इसमें भी इंस्टॉल, बट वो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो रखी है तो मैं इनको ऑर्डर कर दूंगा। कब तक आ जाएगी भैया वो? मोस्ट प्रोबब्ली आफ्टर 2 वीक आ जाएगी। ओके, उसमें लगाने में पूरा दिन लग जाएगा। पूरा दिन लगेगा? तो मेरे को भैया बोल रहे हैं कि मंडे को स्पेशली शॉप खोल देंगे मेरे लिए, मंडे स्पेशली आपको बुला के करेंगे ताकि उस दिन जल्दी भी हो जाएगा, रश कम रश ही होता है। एंड भैया जो मेरी थार है उसमें क्या क्या कर सकते हो आप इंस्टॉल? बढ़िया वाला म्यूजिक सिस्टम चाहिए मेरे को उसके अंदर। थार में हम लोग डबल वूफर लगाएंगे अभी गाड़ी में, पूरी डैम करेंगे अंडर, पूरी नीचे बॉडी डैम करेंगे, डोर्स डैम करेंगे और स्पीकर्स भी लगेंगे बढ़िया वाले, डबल एम्पलीफायर रहेगा और ट्विटर। और ट्विटर तो कुछ ऐसे भी है कि शॉप में मिल जाते हैं, बहुत सारे स्पीकर्स लाइक रॉकफोर्ड वगैरह के, डीडी ऑडियो भी है। तो मेरी गाड़ी में कौन सा लगाओगे स्पीकर? आपकी गाड़ी में जेल ऑडियो का देखेंगे या ग्राउंड जीरो का। और अच्छा भैया डैम्पिंग से क्या होता है गाड़ी के अंदर? डैम्पिंग से रोड नॉइस कम आती है, वाइब्रेशन लेवल कम हो जाता है, पीस ज्यादा हो जाती है गाड़ी के अंदर और के प्लास्टिक पार्ट जो खड़कते हैं वो खड़कने बंद हो जाते हैं। अच्छा भैया एक बार यहाँ पे मैं सुना की वायरिंग बहुत ज्यादा कट होती है, तो उसका क्या सीन है यहाँ पे? वायरिंग बिल्कुल भी 1% भी कट नहीं होगी,
कोई गाड़ी छी तो कोई तार छीली नहीं जाएगी, कोई काटी नहीं जाएगी। अगर कोई ऐसा काम आप भी हमें करने के लिए बोलेंगे तो हम आपको ऑटोमेटिकली मना कर देंगे। ओके, तो कैसे करते हो वायरिंग पूरी आप? सर कपलर्स होते हैं, कपलर्स के पीछे से कनेक्शन लिए जाते हैं, साबुनी गाड़ी जाती है, कई जगह पे हम कॉस्ट लॉक भी लगाते हैं। ओके, बट कट नहीं करते और पील नहीं करते। तो अवंती भैया ने बहुत ज्यादा बढ़िया करी है, मतलब पूरे जो मार्केट है सिर्फ यहीं पे अवंती भैया यही कर पाए, नहीं तो कोई और नहीं कर पा रहा था। बहुत टफ है खोलनी बंद करनी, पर ठीक है काम चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो गाड़ी में अभी चल रहा है पूरा काम, एंड जो हॉर्न है वो हो जाएंगे शुरू इंस्टॉल होने। तो आज का मेरा लंच ये है, वेज ग्रिल्ड सैंडविच विदाउट चीज़, साथ में है छाछ, एंड यहाँ पे अंकल का बड़ा सांभर एंड चिप्स। तो इतना से पूरा ये ब्राउन ब्रेड ही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A few moments later. तो भाई खाना खा लिया, एंड जो सैंडविच था वो एवरेज था, ठीक ठाक सा था। बट अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी वाली जगह, क्योंकि आ गया तो मेरी गाड़ी है वो हो चुकी होगी रेडी, क्योंकि मेरे को कहा था यानी कि 6:30 तक हो जाएगी और अभी बच चुके हैं 6:45। तो चलो, तो यहाँ पे हो चुकी है अंडर बॉडी लाइट गाड़ी पे इंस्टॉल। अभी जो मैं सपोज करूँगा कलर वो हो जाएगा गाड़ी पे चेंज, तो ये पूरा हो जाता है कंट्रोल मोबाइल ऐप से। देखो तो ये है बहुत बढ़िया, एंड ये चारों तरफ हुई है, देखो आगे भी हुई है, देन यहाँ पे अगर दिखाऊँ पीछे से तो कुछ ऐसी लग रही है, तो ये लग रही है बहुत ज़्यादा सही। लेफ्ट साइड से भी देखो हो चुकी है, बढ़िया लग रही है अंकल, अच्छी लग रही है। और ये रही एम्बिएंट लाइटिंग, तो ये भी हो जाती है पूरी कंट्रोल मोबाइल ऐप से, ये देखो, तो ये भी बहुत ज़्यादा सही है। तो चलो चलते हैं, पूरा हो चुका काम गाड़ी के अंदर, डन। अब आ चुका हूँ मैं अभी अपने जिम में, टाइम हो चुका है 10:30 PM। ये रे गोपाल भाई, एंड मैंने करवा ली अपनी जिम की मेंबरशिप रिन्यू। भैया मैं ना सोच रहा था कि जाऊंगा 3-4 हफ्ते से कि जिम जाना है, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। और इस बार मैं जा रहा हूँ न्यूयर पे दोबारा से आउट ऑफ इंडिया, तो मेरे को 10 दिन में 3 किलो कम करना है। 3 किलो मेरा एक बढ़ गया है, मेरा अभी जब वेट है वो 79 हो चुका है, और मेरे को 75 पे आ रहे हैं, 4 किलो कम करना है। 10 दिन देखते हैं मैक्सिमम कितना करते हैं। चलो जी देखते हैं, एंड मेरी फ्लाइट है वो है 28 की, एंड इस बार मैं जा रहा हूँ अकेले दोबारा से इंटरनेशनल ट्रिप पे। तो मैं को पता होगा ये कमेंट कर लगता है मैं कहाँ जा रहा हूँ इस बार, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस बार मेरी इंटरनेशनल ट्रिप पे। तो गोपाल भी आप करें करते हैं स्टार्ट, एंड आप सब लोगों को आपने देखा आज की मेरी वीडियो के अंदर अवंती की मोटिवेशन। मैं को पता होगा कमेंट कर लगी आपको आज वाली वीडियो, मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। देन भाई सब्सक्राइब कर देना, वाइपिंग नोशन क्लिक कर देना, बेल आइकन को ऑल्सो फॉलो इंस्टाग्राम आईडी सी में दिख जाओगे, क्योंकि वहाँ पे होने वाला है बहुत जल्दी एक मेगा गिव अवे, तो उसके लिए रहो स्टे ट्यून्ड एंड बाय। भैया ये लगा तो लगा लो हेडराइजर, आप सब लोग भी भाई कदर आकर अपने आपको हेडराइजर की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड ऑल्सो स्टे सेफ एंड बाय।